भी रैंक से हो और जिस भी बैंक से पेंशन उठाते हो, वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट खबर हुई है, अभी एक दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, 22 घंटे पहले की न्यूज निकल के आ रही है। पेंशन भोगियों को बता दें कि सबसे बड़ी न्यूज और सौगात मिल गई है आप लोगों को, नया चीफ ऑफ जस्टिस जैसे ही बनाए यहाँ पे कर्नल साहब जो है हरेंद्र पाल सिंह चिन्ना ने यहाँ पे कमेंट कर दिया है। आप देख सकते हैं हमारे साहब ने, कर्नल साहब ने कमेंट किया है, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के हैं ये, उन्होंने नए जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जो बने हैं उनको न्यू ऑनरेबल ऑफ हाई मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया है कि न्यू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू रीलॉक द प्रॉब्लम ऑफ ओआरओपी। देखिए यहां पे आपके हक के लिए अब हमारे हरेंद्र पाल सिंह चिन्ना साहब भी आगे आ गए हैं और पेंशन भोगियों को बता दें कि आज की न्यूज बहुत धमाकेदार होने वाली है। इसीलिए आपको बता दें कि जितने भी पेंशन भोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से, जी हाँ जल्दी से नीचे काला कलर का बटन दबाएं और बगल में एक छोटी सी घंटी दबा लें, आपको सबसे पहले जी हाँ सबसे पहले जो भी ओआरओपी की न्यूज होती है वो इम्प्लीमेंट होना है कि नहीं, एरियर कितना बनेगा, ओआरओपी का क्या न्यूज निकल गया है, सबसे पहले पीसीडीए की तरफ से हो, क्या है पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से हो, चाहे एक्स सर्विस मूवमेंट की तरफ से हो, चाहे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से हो, आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। चलिए राम राम, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, न्यू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज रिक्वेस्टेड टू रीलॉक द प्रॉब्लम ऑफ ओआरओपी ऑफ वेटरनर्स एंड इट्स एंट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ लाख ऑफ रिटायर्ड फौजी, जिसे रिटायर्ड फौजी है जिनको ओआरओपी मिलेगा कम से कम लाख का तो फायदा होने वाला है, लाख रुपए तो उनके खाते में आने वाले हैं। और also notably government has not paid arrear of ORP 2 by getting grace time, मतलब बहुत time ले चुके हैं, grace time means होता है कि time per time, 3 महीने से extension 3 महीने, तो ऐसे grace time ले चुके हैं और implementing अभी तक नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द for time implementing honorable supreme court orders, और supreme court का जो order था उसको जल्दी से जल्दी और मतलब कि इसको किया जाए। तो आप लोग तमाम सैनिकों को मैंने एक अच्छी और fresh और latest update दिए जो हमारे कर्नल हरेंद्र पाल सिंह चिन्ना द्वारा निकल के आ रही थी। तमाम सैनिकों को ये न्यूज कैसी लगी, आशा और उम्मीद है मुझे कि आपको ये न्यूज छोटी छोटी जो मैं देता हूं ओआरओपी की वो अच्छी लगती होगी। ये एक न्यूज निकल के आई थी, साथ ही में और एक न्यूज देना चाहता हूं मैं कि अभी चल रहा है नवंबर का महीना और नवंबर के महीने में पेंशन भोगियों को अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनना पड़ता है। काफी पेंशन भोगियों को फ्रॉड कॉल से बचने का उपाय नहीं पता है, उनको कॉल किया जाता है, भूतपूर्व सैनिक इसके शिकार भी हो चुके हैं। तो बता दें कि पूर्व सैनिक को लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के नाम पर ठगी चल रही है, जी हाँ ठगी चल रही है। आप लोगों को कॉल आएगा, बोलेगा आपको अपना एनरोलमेंट नंबर बताओ, अपना डिस्चार्ज बुक नंबर बताओ, अपना पीपीओ नंबर बताओ, आर्मी नंबर बताओ, अपना बैंक का डीएसपी अकाउंट का नंबर बताइए, अपना ओटीपी बताइए, तो कुछ भी नहीं बताना है, अननोन व्यक्ति को कुछ भी नहीं बताना है। आप अपना स्पर्श पीपीओ नंबर भी नहीं बताइएगा, नहीं डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, नहीं अपना डिस्चार्ज बुक से लेके कुछ भी नहीं बताना है। तमाम सैनिकों को मैं बता दूं कि अपना अपना आप लाइफ सर्टिफिकेट भर रहे हैं तो ध्यान पूर्वक भरे। इस ठगी मतलब कोई फोन के द्वारा अगर बोलता है कि आपका मैं भर दूंगा, आप मुझे डिटेल दीजिए। आप लोगों को बता दें कि ऐसे हो रहा है पेंशन भोगियों के साथ जिनका अकाउंट से पैसा निकाल लिया जा रहा है। और साथ में गुड न्यूज है वो भी जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको और अपडेट देंगे। डीएडीआर जो था उसके लिए गुड न्यूज फॉर एम्प्लॉय है, 18 मंथ का ओल्ड डीए एरियर था उसका डेट कंफर्म हो गया, 11,880 रुपए आपको 3 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।